15 देखिए, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द दिस इक्वेशन इज 4, अच्छा इस इक्वेशन का एक रूट 4 दिया है, तो द सम ऑफ रूट्स क्या होगा? समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि वन ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 इज 4, यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगा तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस पी इंटू में 4 प्लस 12 इक्वल टू में 0, 16 प्लस का 4p प्लस का 12 इक्वल टू में 0, 4p और प्लस का 28 इक्वल टू में 0 जाएगा उधर, 4p इक्वल टू में माइनस का 28 जाएगा डिवाइड में, तो p का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 7, p माइनस 7 आ गया, देयरफॉर इक्वेशन जो हो जाएगा, इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर पूछ रहा है सम ऑफ रूट्स क्या होगा, तो सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे, यानी सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे, सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव ऑफ एक्स का कोफिशियंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 7 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका 7, यहाँ पे भर देंगे, समझ गए। फिर क्वेश्चन